आज ऐसे ट्रिक्स लेकर आए हैं जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, कहाँ होते हैं, कोई भी मैथ्स का सॉल्यूशन किया जाए तो उसमें मल्टीप्लाई मल्टीपल में बहुत ही टाइम लगता है, ठीक है। सो ही प्रॉब्लम्स आज हम दूर करने वाले हैं। क्या करने हैं, बस क्वेश्चन को देखने हैं, मल्टीपल को देखने हैं और आंसर बताने हैं, ठीक है। बस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। देखिएगा, जैसे आपको 2 डिजिट का नंबर मिल जाता है, कहीं कोई एग्ज़ाम्स में भी एग्ज़ाम दिया जाता है तो नंबर्स को मल्टीपल करने में टाइम लगता है, इसीलिए क्या होता है कई कई बार क्वेश्चन को स्किप करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिएगा क्या करना है, कैसे करना है। फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट नंबर को अप और डाउन में मल्टीपल करिएगा, फिर क्रॉस मल्टीपल करिएगा, फिर लास्ट नंबर का अप और डाउन में मल्टीपल करिएगा। अब देखिए अप और डाउन क्रॉस क्या है, मैटर को समझिएगा क्या कर रहे हैं। इस नंबर को इस नंबर में मल्टीपल करिएगा, देखिए एकदम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। 6 दुना के 12, 12 के 2 हासिल में 1 रखिएगा, ठीक। अब क्रॉस मल्टीपल का मतलब कहने का मतलब चारों नंबर का आपस में मल्टीपल करिएगा क्रॉस में। 5 दुना के 10, 4 6 24, 24 10 कितना हो गया 34, 34 से 35, 35 का 5 हासिल आपके पास 3 आ गया, ठीक है। याद रखिएगा 4 5 20 या फिर 5 4 20, 20 3 23, तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए। जी हाँ, आपका ये मल्टीपल यहीं रहने वाला है, ठीक है। बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, जब ऐसे नंबर्स को मिल जाए तो बारी बारी से एक नंबर को मल्टीपल किया जाता है, ठीक है। सो ऐसे में क्या होता है, टाइम लगता है, ठीक। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए ये आपको मान लीजिए नंबर्स हैं, ठीक। अब ऐसे नंबर्स को क्या कैसे मल्टीपल करने हैं, देखिए भी हम क्या बोले हैं। फर्स्ट नंबर का अप और डाउन में मल्टीपल, प्लस आपका क्रॉस मल्टीपल, फिर अप डाउन का लार्जेस्ट का नंबर, ठीक है। सो इस नंबर का इस नंबर में मल्टीपल करिएगा, कितना हो जाएगा, 6 3 के 18, 18 का आपका क्या होना होगा, 8 हो जाएगा, हासिल में आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल में आप क्या करिएगा, 4 6 24 और 5 3 15, कितना हो गया आपके पास, 15 24, कितना हो गया आपके पास, 39 हो गया, ठीक है। 39 1 40, 40 का 0 हासिल 4, ठीक है। और क्या करिएगा, 4 5 20, 20 और 4 कितना हो गया आपके पास, आप बोलेंगे 24। जी हाँ, देखिए क्या किए हैं, बस क्वेश्चन को अपने माइंड में इसको कैलकुलेट करिएगा, बस आंसर बताइएगा, ठीक है। सो विदाउट पेन उठाए आप इसको जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। सो आते हैं देखिए अब नेक्स्ट पर, ठीक है। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए फर्स्ट नंबर का मल्टीपल किए हैं, फर्स्ट नंबर का मल्टीपल, फिर क्लास मल्टीपल, फिर इस नंबर का मल्टीपल, आपके पास जो हासिल है, ठीक है, हासिल जो आ रहे हैं उसको बारी बारी से रखते रहिएगा और नेक्स्ट नंबर्स में आप उसको ऐड करते जाइएगा, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट नंबर यदि 3 डिजिट में आ जाए नंबर्स, तो उसको कैसे मल्टीपल करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में मिलते रहते हैं ताकि टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे नंबर्स को क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को अप और डाउन में मल्टीपल करिएगा, फिर क्रॉस मल्टीपल करिएगा, फिर क्रॉस मल्टीपल करके फिर अप डाउन जो बीच का नंबर आता है ये वाला, इसको करिएगा, ठीक है। फिर आप क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीपल करिएगा, फिर आप क्या करिएगा, अप और डाउन का लास्ट वाला नंबर मल्टीपल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए स्टार्ट करते हैं, 2 का 1 में 2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या बोले हैं, क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल किस में किस नंबर में करने हैं आपको, क्रॉस नंबर आपको इस 4 नंबर में करने हैं, ठीक है। सो करिए, देखिए क्या होता है, 1 का 3 में कितना हो जाएगा आपका, 3 ही होगा, ठीक है। 2 दुना के 4, 3 7, 7 यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रॉस मल्टीपल ऐसे इसको करिएगा, ठीक है। 4 5 दुना के 10, 10 4 14, 14 हो गया, जी हाँ। फिर 3 दुना के 6, आपके पास कितना हो गया, 6 14 20 हो गया, ठीक। 20 का आप यहाँ 0 रखिएगा, 0 और हासिल में आपके पास 2 है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए क्या है, क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल किस नंबर्स में करने हैं, नंबर्स में आपको इस नंबर में करने हैं, ठीक है। 3 4 3 5 2, तो 4 दुना के 8, 5 3 15, ठीक है। सो आपके पास कितना नंबर हो गया, आप बोलेंगे 23, जी हाँ।
चार दुना के आठ, पाँच तेई पंद्रह, पंद्रह आठ तेईस। ठीक, अब तेईस दो कितना हो गया आपके पास, पच्चीस। पच्चीस का आप क्या करिए, पाँच लिखिएगा, हासिल इसको दो रखिएगा, ठीक है, या फिर इसको याद रखिएगा। चार पंजे बीस, दो बाईस, देखिएगा कितना अच्छे से, कितना जल्दी सबका ये नंबर्स आ गया। ठीक है, सो एक बार फिर से देखिए हम क्या किए हैं। ठीक, देखिए फर्स्ट नंबर को इसको मल्टीपल किए हैं, फिर देखिए क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल ये किए हैं, फिर बोला गया है क्रॉस मल्टीपल प्लस अप डाउन, ये नंबर किए हैं, फिर ये नंबर किए हैं, फिर क्रॉस मल्टीपल, तो इन दोनों का नंबर किए हैं, फिर लास्ट नंबर आपका ये नंबर किए हैं। ठीक है, जो भी आपका हासिल आता जा रहा है, ठीक है, उस नेक्स्ट नंबर में आप इसको एड करते जाइएगा। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। सो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, देखिए हम क्या बोले थे आपको, बोले थे कि फर्स्ट नंबर का आप अप डाउन में मल्टीपल करिएगा, फिर आप क्रॉस मल्टीपल करिएगा, क्रॉस मल्टीपल प्लस अप डाउन, फिर आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीपल करिएगा, फिर अप डाउन। ठीक है, सो देखिएगा फोर का टू में आप बोलेंगे एट हो जाएगा, जी हाँ। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल इसमें करिएगा, ठीक है, तीन दूना के छः, चार पंजे बीस, बीस छः छब्बीस हो गया, छब्बीस का छः रखिएगा, हासिल में दो रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीपल प्लस अप डाउन बीस से, तो कितना हो गया, दो दूना के चार, चार चौक के सोलह, सोलह चार हो गया आपका बीस। ठीक है, बीस दो बाईस, बाईस का दो रखिएगा, हासिल फिर दो रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल इन दो लास्ट नंबर का करना है। ठीक, पाँच दूना के दस, चार तीन के बारह, कितना हो गया आपके पास, बाईस हो गया। ठीक है, पाँच दूना के दस, चार तीन के बारह, कितना हो गया आपके पास, बाईस, बाईस दो चौबीस। सो चौबीस का चार रखिएगा, हासिल अभी दो रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट नंबर का ये मल्टीपल ऐसे कर दीजिएगा। तो दो चौका आठ, आठ दो दस, देखिए एक ही बार में अगला हो गया। और आप लोग क्या करते हैं कि एक एक नंबर का मल्टीपल करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं, कितना टाइम लॉस हो जाता है। ठीक है, सो नंबर को देखिए, आंसर बताइए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार जानदार एकदम मस्त ट्रिक्स के साथ। ठीक है, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।